नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम थैली चूड़ीदार कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, यानी कि पाउच चूड़ीदार कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले थैंक्स माय ऑल सब्सक्राइबर्स टू योर लव एंड सपोर्ट। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही में बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मेजरमेंट्स। तो यहाँ पर फुल लेंथ 40 इंच है, हिप 36 इंच है, क्रॉच लेंथ नहीं निकाली वो हम निकालेंगे और बॉटम 5 इंच है। तो क्रॉच लेंथ का जो मेथड है वो होता है हिप का तीसरा हिस्सा प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। अगर आप लूजिंग पहनते हो तो आप यहाँ पर प्लस 2 से 3 इंच तक ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हिप हमारी 36 है, उसका तीसरा हिस्सा करना है यानी डिवाइडेड बाय 3 करना है तो वो आता है 12 प्लस मैंने उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड किया तो वो होता है 13 इंच। सिलाई मार्जिन के लिए आप 2 इंच तक ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी क्रॉच लेंथ निकल आई है 13 इंच। अब हम क्लोथ रिक्वायरमेंट देखेंगे, हमें कितने कपड़े की जरूरत होगी। तो यहाँ पर ये देखो 36 से 44 तक पन्ने हमारे कपड़े का होता है, तो इसे इस तरह से पन्ने की साइड में इस तरह से फोल्ड करना है। सेंटर में फोल्ड करने के बाद इस पॉइंट से यहां तक इस तरह से हमें लेना है। कितना लेना है तो यहां पर मैं सबसे पहले अंदाजे से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूं। तो ये लाइन हमें कितनी खींचनी है, इसका मेजरमेंट क्या होगा यहां से यहां तक, जो कि हम कपड़े के ऊपर डालने वाले हैं। तो ये जो लाइन होगी हमारी, ये होगी हमारी फुल लेंथ कितनी है। देखो हमारी फुल लेंथ है 40 इंच प्लस उसमें हमें ऐड करना है हमारी क्रॉच लेंथ। क्रॉच लेंथ टोटल हमारी यहाँ पर 13 इंच आया है कैलकुलेट करके, 13 इंच प्लस उसमें हमें ऐड करना है 3 इंच। तो यहाँ पर देखो फुल लेंथ प्लस क्रॉच लेंथ प्लस उसमें 3 इंच ऐड करके जितना टोटल होता है वहां तक हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल निकल आता है 56 इंच। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरी जो लाइन खींचूंगी मैं वो 56 इंच की होनी चाहिए। अब इस पॉइंट तक भी एक लाइन खींचनी है, तो वो लाइन हमें कितनी खींचनी है, तो इस पॉइंट तक मैं यहाँ अंदाजे से एक लाइन खींच देती हूँ। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, ये जो हमारी लाइन बनेगी ये हमारी बनेगी हमारी जितनी क्रॉच लेंथ है वो देखेंगे तो हमारी कैलकुलेट करके क्रॉच लेंथ आती है 13 इंच प्लस उसमें हमें बॉटम का मेजरमेंट ऐड करना है 5 इंच और प्लस उसमें 3 इंच हमें ऐड कर देना है। तो जितना आएगा उतनी हमें वो लाइन खींच देनी है। और अगर आपको ज्यादा लूजिंग पसंद नहीं है हिप में, ज्यादा झोल पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर 2 इंच ऐड कर दीजिएगा, यानी कि हमारी जितनी क्रॉच लेंथ है प्लस उसमें बॉटम और प्लस उसमें 2 इंच ऐड करके यहां से यहां आप लाइन बना दीजिएगा। यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 20 इंच। तो इस प्रकार हमारे जितना कपड़ा रिक्वायर्ड है यहाँ पर मिल चुका है हमें। अब जो आगे का ऊपर का हिस्सा बचता है, यहाँ से ऊपर का हिस्सा, वो हम कट कर देंगे क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं होगी। तो ये जो चूड़ीदार पैंट है ये हम विदाउट बेल्ट बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार ये 2 मीटर कपड़े में हो जाती है, लेकिन ज्यादातर ये आपके हिप राउंड और आपके लेंथ के ऊपर इसका कम ज्यादा कपड़ा डिपेंड होता है। यहाँ पर मैंने कपड़ा बिछा कर रखा हुआ है ये, और ये देखो ये हमारा अर्ज है यानी ये पन्ने की साइड है, ये दोनों साइड हमारे इस तरह से पन्ने की साइड है, ये हमने लंबाई में बिछा के रखा है। अब हमें यहां से कपड़े को इस साइड पे फोल्ड करना है। तो ये हमारा फोल्ड होगा, मैं यहाँ पर फोल्ड करके रख दिया है इस तरह से। अब ये ज्यादा लंबा है तो मैंने इस साइड में यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर मेजरमेंट डालेंगे। किस तरह से मेजरमेंट डालेंगे, तो मैंने जिस तरह से आपको कागज के ऊपर दिखाए थे सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर मेजरमेंट डालने हैं। यहाँ पर ये हमारी फोल्डेड साइड है, आगे की तरफ हमारी खुली साइड है। अब हमें नीचे के कॉर्नर से इंची टेप को रखना है। इस कॉर्नर से फोल्डेड साइड तक हमें एक लाइन बनानी है और वो लाइन का मेजरमेंट हमारा इस प्रकार होगा, फुल लेंथ प्लस क्रॉस लेंथ प्लस 3 इंच उसमें ऐड करना है। फुल लेंथ है 40 इंच, क्रॉस लेंथ है 13 इंच और 3 इंच उसमें ऐड करके ये हो जाता है पूरा 56 इंच। यानी कि जो लाइन यहाँ पर हमें बनानी है वो मैंने यहाँ पर 56 इंच की लाइन बना दी है। आप अपना पूरा मेजरमेंट कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आता है। अब यहाँ से यहाँ भी हमारी एक लाइन बनेगी, तो वो कितनी बनेगी,
क्रॉच लेंथ प्लस बॉटम प्लस 3 इंच ऐड करना है। 13 इंच क्रॉच लेंथ है, 5 इंच बॉटम है और 3 इंच उसमें ऐड करती हूँ तो ये पूरी लाइन मेरी 21 इंच की बन जाती है। तो इस प्रकार हमें जितना रिक्वायर्ड क्लोथ है वो मिल जाता है। यहाँ पर हमने दो लाइन बनाए हैं, अब ये लाइन में स्ट्रेट आगे की तरफ ज्वाइंट कर दूंगी और यहाँ से ऊपर का हिस्सा मैं पूरा निकाल दूंगी। तो इस प्रकार हमारा जो रिक्वायर्ड क्लोथ है यानी कि हमें जितने फैब्रिक की जरूरत है उतना फैब्रिक हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर ये हमारा थैला बनेगा यानी कि यहाँ पर इतने कपड़े का हमारा पाउच बनेगा। तो यहाँ से यहाँ मैं देखती हूँ मेरा कपड़ा यहाँ पर कितना लगा है मुझे, तो ये लगभग मुझे लग चुका है 1.25 मीटर तक, यानी कि 1.75 मीटर। अब ये देखो ये खुली साइड है और हमें यहाँ पर थैला बनाना है यानी पाउच बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, इस साइड से हमें स्टिच लगानी है यहां से यहां तक और दूसरी साइड में भी हमें स्टिच लगा के लेनी है यहां से यहां तक। तो ये दोनों साइड में मैं स्टिच लगा के यहां पर ले लेती हूं इस साइड से और इस साइड से। तो यहां पर मैंने स्टिच ले ली है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मैंने स्टिच ले ली है और ये इस तरह से यहाँ पर बंद हो जाएगा और इस साइड में भी ये बंद हो जाएगा। अब हमारे थैले की तीसरी स्टिच लगेगी। यहाँ से यहाँ जो लाइन हमने खींची है बराबर से वहां पर हमें पकड़ना है इस तरह से। पकड़ने के बाद इस तरह से हमें यहाँ पर स्टिच लगाते जाना है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है सेम उसी तरह से वहां से होके हम स्टिच लगाएंगे। तो यहां पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ हमने किस तरह से पकड़ा है। इसे मैंने खोल दिया, अब ये जो ऊपर की तरफ लाइन बनी है हमारी यहां पर हमें बराबर से पकड़ना है और इसे इस तरह से फोल्ड करते जाना है। यहां पर मैं पिनअप करती जाऊंगी तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। ये जो थैला हम बना रहे हैं यानी कि ये जो पाउच बना रहे हैं और इसकी जो हम चूड़ीदार पैंट बना रहे हैं ये विदाउट बेल्ट है यानी कि बेल्ट इसी में ही जॉइंट होगा। विद बेल्ट भी ये चूड़ीदार पैंट हम बना सकते हैं थैले की मदद से, उसका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो हम ये सबसे पहले बेसिक देख लेंगे किस तरह से थैला बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने पूरी तरह से पिनअप कर दिया। अब यहाँ पर मैंने जहाँ पर पिनअप किया है वहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे, ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर हम स्टिच लगा लेते हैं, जहाँ पर हमने पिनअप किया है वहाँ से हम स्टिच लगा रहे हैं। इस चूड़ीदार की यह विशेष बात है कि इसमें हमें नी लेंथ और नी राउंड यानी घुटने का घेर और घुटने की लंबाई की मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसका कटिंग थोड़ा अलग होता है। स्टिच लगाने के बाद हम इसके ऊपर हमारे चूड़ीदार के मेजरमेंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा स्टिच लगा के रेडी हो चुका है थैला यानी कि पाउच। अब इसके ऊपर हम मेजरमेंट्स डालेंगे। मेजरमेंट डालने से पहले हमें इसे थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। थैला हो जाने के बाद यहाँ पर झोल आ चुका है, किसी का झोल आएगा किसी का नहीं भी आएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बस हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरह से थोड़ा सा कट लगाना है और एक होल बनाना है और उस होल के थ्रू हमें स्ट्रेट कट लगाना है। आप देख सकते हो यहाँ बराबर से कॉर्नर में मैंने होल लगाया है जहाँ पर स्टिचिंग खत्म होती है तिरछी, वहाँ से लेके मैंने इस तरह से ये कट कर दिया। सेम उसी तरह से नीचे की साइड में भी कट कर देंगे। ये देखो बराबर से कॉर्नर में लेना है सिलाई को और यहाँ पर कॉर्नर में बराबर से मुझे कट करना है और यहाँ पर मुझे कट लगाना है होल बना के। तो ये दोनों साइड हमारे खुले हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे ऊपर और नीचे की। ओपन हो जाने के बाद हम इसे सही से इस तरह से करेंगे तो ये झोल निकल जाता है हमारा, ये हमारा झोल निकल गया। अब इसे किस तरह से फोल्ड करना है देखो, इसे फोल्ड करने के लिए देखो यहाँ पर हमें हमारा जितना बॉटम है, मेरा बॉटम यहाँ पर 5 इंच है तो मुझे यहाँ से यहाँ 5 इंच नापना है और उसके बीच में मुझे सिलाई नहीं लानी है। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको घुमा दिया है
इस थैले को। तो यहाँ से यहाँ ये मेरा यहाँ पर सिलाई आ रही है और सिलाई से होके यहाँ तक फोल्डेड साइड तक 5 इंच हमारा होना चाहिए, यानी कि जितना बॉटम है वहाँ पर मैंने नॉच लगा दिया। तो हमारे बॉटम के बीच में सिलाई नहीं आनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस थैले को घुमाएंगे। ये सिलाई है, ये बॉटम के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो सिलाई को मैंने इस साइड में थोड़ा सा मूव कर दिया है, घुमा दिया है, और यहाँ से यहाँ बराबर से 5 इंच हमारा बॉटम आना चाहिए। तो यहाँ पर ये 5 इंच बराबर से आ रहा है और इसके बीच में हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये घुमाना है, यानी मूव करना है सिलाई को। तो इस प्रकार ये दोनों साइड में हमारा सेम रहेगा, ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में भी। हम इसके ऊपर अब मेजरमेंट डालेंगे हमारे चूड़ीदार के। ये हो गया 5 इंच। देखो इस तरह से हमें घुमाना है, अगर कम ज़्यादा आपका होता है तो इस प्रकार। तो ये हमारा बराबर से है, तो ये इसे मैं इसी तरह से रख देती हूँ। अब हम यहाँ पर मेजरमेंट डालेंगे, यहाँ से यहाँ हमारा बॉटम कितना है उतना लेना है, प्लस उसमें आप सिलाई के लिए 1/2 इंच ऐड कर दीजिएगा, या फिर 0.75 इंच सिलाई मार्जिन भी आप ले सकते हो। यानी कि मैंने यहाँ पर 5.75 इंच पर मार्किंग किया बॉटम के लिए। अब यहाँ इस पॉइंट से होके यहाँ तक हमें लाइन खींचनी है, तो हमारी क्रॉच लेंथ प्लस उसमें आप 2 से 2.5 इंच ऐड कीजिएगा और यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। क्रॉच लेंथ मेरी 13 इंच है, प्लस उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया क्योंकि ऊपर की तरफ हमें फोल्ड करना होता है नाड़े के लिए। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच पे मार्किंग किया, आप यहाँ पर 2.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी। अब यहाँ पर एक और बात, जितनी हमारी क्रॉच लेंथ आती है उतनी ही हमारी चूड़ियों का भी मेजरमेंट होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी स्ट्रेट लाइन आई है, इसका मतलब हमारी चूड़ियाँ जो नीचे की तरफ बॉटम की तरफ बनती है वो भी उतनी ही बनेगी जितना हमारा क्रॉच लेंथ का मेजरमेंट हमने लिया है। यहाँ पर भी मैंने 5.75 इंच पे मार्किंग किया बॉटम के लिए, क्योंकि दूसरा लेग्स हमारा इस तरह से यहाँ पर मेजरमेंट होगा। यहाँ से यहाँ भी उतना ही लेना है जितना हमने दूसरी साइड में क्रॉच लेंथ ले ली थी। यहाँ पर भी मैंने क्रॉच लेंथ प्लस उसमें 2 इंच ऐड करके मार्किंग किया, यानी कि मेरा यहाँ पर मार्किंग 15 इंच का आया। अब यहाँ से यहाँ ये हमें ज्वाइंट कर देने हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच दी, ये लाइन मैंने यहाँ पर बना दी। अब जो लाइन बनी है यहाँ से यहाँ, उसका सेंटर निकालेंगे बराबर से, वहां पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए थोड़ा सा इस तरह से कर्व देंगे। ये होगा हमारा चूड़ीदार पैंट का शेप। दोनों साइड से इस तरह से 1/2 या 0.75 इंच अंदर की तरफ ले लीजिएगा और इस तरह से शेप दे दीजिएगा। अब ये पूरा हमारा मार्किंग यहाँ पर हो चुका है, अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से कटिंग हुआ है। तो यहाँ से हम अंदर की साइड से कट करेंगे। ये जो लेग्स होते हैं हमारे चूड़ीदार के, एक इस साइड से और एक इस साइड से कट होता है। अब ये बीच का भी पार्ट हम कट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर सीधी उल्टी साइड दोनों साइड से इस तरह से हमारे 2 लेग्स निकल आ चुके हैं। अब मैं इसे इस तरह से यहाँ पर रख देती हूँ, तो ये दोनों लेग्स हमारे निकल आ चुके हैं चूड़ीदार के इस तरह से। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर नॉच लगा देते हैं जहाँ पर हमारी चूड़ियों का मेजरमेंट आता है 15 इंच पर। अब इसकी स्टिचिंग करने से पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इसे मैंने इस तरह से खोल दिया एक लेग्स को। ये सीधी साइड है, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखते हुए दूसरी साइड भी मैंने उसके ऊपर रख दी। जहाँ तक हमारा क्रॉच का मेजरमेंट आता है वहाँ तक हमें स्टिच लगानी है। सबसे पहले हमें क्रॉच जॉइंट करने हैं, यहाँ से यहाँ तक क्रॉच जॉइंट करना है और यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर मैं क्रॉच को जॉइंट कर रही हूँ, बराबर से रखते हुए हम क्रॉच को यहाँ पर जॉइंट करेंगे। 1/2 इंच तक ही हम छोड़ेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा पूरा क्रॉच नहीं ज्वाइंट करेंगे, 1/2 इंच छोड़ेंगे। सेम उसी तरह से दूसरी साइड में भी नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर पूरी क्रॉच की लेंथ ज्वाइंट नहीं करनी, 1/2 इंच छोड़ना है नीचे की साइड में। तो ये देखो ये हो गया हमारा
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने पूरा स्टिच लगा दिया, ऊपर की साइड में हमें यहाँ पर जो नाड़ा इंसर्ट करना होता है, नाड़ा डालना है, तो उसके लिए 1 से 2 इंच हमें खुला छोड़ना है। तो 2 इंच तक मैंने यहाँ पर स्टिच निकाल दी है ऊपर की साइड में, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पर राउंड में स्टिच लगाएंगे, ये देखो ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड के लिए 2 इंच खुला छोड़ा है। अब इसे सबसे पहले हमें यहाँ पर जो सिलाई है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देनी है ताकि यहाँ पर यह फिनिशिंग आ जाए। फ्रंट साइड में इस तरह से डबल फोल्ड करना है जहाँ पर हमने क्रॉच लेंथ की स्टिच लगाई है, वहाँ पर जो सिलाई मार्जिन होता है उसे इस तरह से डबल फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ स्टिच लगाई जाती है। इसका पूरा डिटेल्स देखने के लिए हमारा चूड़ीदार पैंट कट स्टिचिंग का एक वीडियो अपलोडेड है, सेम वे है स्टिचिंग करने का, तो आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं स्टिच लगा देती हूँ दोनों साइड में, दोनों साइड के सिलाई मार्जिन इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करके स्टिच लगानी है जहाँ तक हमारी क्रॉच लेंथ की स्टिच हमने लगाई है। तो यहाँ पर देखो क्रॉच के लिए हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ स्टिच नहीं लगाई, तो वहाँ पर हम छोड़ देते हैं 1/2 इंच तक, 1/2 इंच या 1 इंच तक छोड़ दीजिएगा नीचे की तरफ। अब सेम हम दूसरी साइड में भी स्टिच लगा लेते हैं, यहाँ पर भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लेते हैं। तो दोनों साइड में इस तरह से हमने स्टिच लगा दी। अब हम ऊपर की साइड में जहाँ पर हम डोरी डालने वाले हैं यानी नाड़ा डालने वाले, तो यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके लेते हैं इस तरह से। सबसे पहले 1/4 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से 1/4 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये पूरे राउंड में हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम पूरे राउंड में स्टिच लगा रहे हैं और ये मेरी पूरी स्टिच हो चुकी है। यहाँ पर देखो ये फ्रंट साइड में थोड़ा सा हमने खुला छोड़ा है और नीचे की साइड में हमने ये क्रॉच की स्टिच लगाई है। अब हम यहाँ पर बॉटम ले लिया है और बॉटम को इस तरह से हम 1/2 इंच डबल फोल्ड करेंगे, सब 1/2 इंच पहले करेंगे उसके बाद फिर 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, यानी कि हमारा बॉटम क्या और 1 इंच फोल्ड होगा। इस तरह से दोनों बॉटम हमें डबल फोल्ड करके लेने हैं। ये एक लेग्स का हमारा डबल फोल्ड हो चुका, अब ये दूसरा लेग्स है उसका डबल फोल्ड हम करेंगे बॉटम के और उसको स्टिच लगाएंगे। बॉटम हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर फिटिंग कर देंगे इसकी। तो आप यहाँ पर 0.75 इंच सिलाई मार्जिन लेके फिटिंग कर सकते हो या 1/2 इंच, इस तरह से इसे बराबर में रखेंगे। यहाँ पर हमारा नॉच है, तो यहाँ पर देखो नीचे की तरफ आप प्रेस बटन भी लगा सकते हो। तो चूड़ीदार स्टिचिंग के पहले के वीडियो में हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं तो प्रेस बटन नहीं लगा रही, यहाँ पर थोड़ा सा मैं दूसरा मेथड यूज करूँगी, आपको जो सही लगे आप यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तिरछा लूँगी इस तरह से, 1-2 इंच तक आप इस तरह से तिरछा ले लीजिएगा और फिर आपकी फिटिंग की स्टिच लगाइएगा। तो यहाँ पर हमारी फुट एंट्री ईजिली हो जाएगी और हमें बटन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से अगर आप मेथड यूज़ करते हो। अगर आपको नीचे की साइड में हुक या प्रेस बटन लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। अब सिलाई करते हुए हम क्रॉच की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्रॉच को इस तरह से 1/2 इंच छोड़ा था। तो यहाँ पर हमारी स्टिच कैसे लगेगी, इस तरह से हम बराबर से इस यहाँ तक हमारा मार्किंग है, तो मार्किंग से होके हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम कट दूसरा लेग्स ले लेंगे और इसको इस तरह से लेके फिर से हम सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ पर हम ज्वाइंट नहीं करेंगे दोनों लेग्स को बीच में, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा खींचता है हमारा चूड़ीदार पैजामा, तो इसलिए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे दोनों साइड की फिटिंग हो चुके हैं। अब क्रॉच की साइड में यहाँ पर हमने देखो छोड़ा था खुला थोड़ा सा, तो उसे राउंड में हम लेंगे, इसे इस तरह से राउंड में स्टिच लगाएंगे। तो इससे गोलाई में स्टिच लगाने से क्या होता है, यहाँ पर हमारा चूड़ीदार पैंट खींचेगा नहीं, तो इसे हम
पूरा ये राउंड है क्रॉच का, ये कंप्लीट कर देते हैं डबल स्टिच लेके। और ये हो जाने के बाद हमारा पूरा स्टिचिंग कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, और हमारा ये चूड़ीदार पजामा रेडी हो जाता है। ये चूड़ीदार पजामा विद बेल्ट भी हम स्टिच कर सकते हैं, उसका भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो आपको ट्यूटोरियल ये कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा हो चुका है। पूरा हो जाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। इसकी विशेष बात ये थी कि यहाँ पर हमने ना ही नी लेंथ ली थी और ना ही नी राउंड लिया था, फिर भी ये फिटिंग में एकदम परफेक्टली बैठता है। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।